लेकिन अब चेचन कमांडर कादिरफ ने जो दावा किया वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के माथे पर पसीना ला सकता है, क्योंकि हर हाल में मारीपुल पर जीत के लिए बेचैन कादिरफ को थोड़ी राहत भरी खबर मिली। उनके लड़ाकों ने अपने कमांडर को बताया कि यूक्रेन की सेना को उन्होंने बड़ा झटका दिया और इसी के बाद चेचन कमांडर कादिरफ ने दावा किया कि बड़ी संख्या में यूक्रेन मरीन के जवानों ने घुटने टेक दिए। कादिरफ के दावे के मुताबिक यूक्रेन के 1000 से ज्यादा सैनिकों ने उनके लड़ाकों के आगे सरेंडर कर दिया। हालांकि कुछ दिन पहले भी रमजान कादिरफ ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कई सैनिक हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए एक तरफ जाते नजर आए थे। कादिरफ के मुताबिक वो सारे सैनिक यूक्रेन के थे, लेकिन यूक्रेन की मीडिया ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करके उनके दावे को झूठा करार दिया था। उस तस्वीर में यूक्रेन मरीन का एक जवान दिखाई दिया और बताया गया कि कादिरफ के शेयर किए गए वीडियो में जो सैनिक दिखे वो यूक्रेन मरीन के थे ही नहीं। उधर यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतरिक्ष में नया मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार मॉस्को से बाहर किसी आधिकारिक दौरे पर निकले और रूस के पूर्वी किनारे पर बस्तोचनी में बने स्पेस सेंटर पर पहुंचकर उन्होंने अंतरिक्ष अभियान की तैयारियों को परखा। इस दौरान बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भी उनके साथ नजर आए, जिनके साथ पुतिन ने आने वाले अंतरिक्ष अभियानों पर अहम बैठक की और कोल्ड वॉर का हवाला देते हुए साफ कर दिया कि कोई भी प्रतिबंध रूस के अंतरिक्ष अभियान को नहीं रोक सकता। यही नहीं, पुतिन ने तीखे तेवर दिखाते हुए यूक्रेन पर किए गए हमले को भी सही ठहराया। यानी पुतिन के रुख से साफ है कि यूक्रेन पर हमले जारी रखने के साथ ही रूस अंतरिक्ष के मोर्चे पर भी खुद को मजबूत करेगा और इसके लिए पुतिन ने नई रणनीति भी तैयार कर ली है, जिसके तहत रूस अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा के लिए तकनीक तैयार करने के साथ ही अपने स्पेसशिप को और आधुनिक बनाने पर काम करेगा और इस पर जरूरी रिसर्च के लिए वो इसी साल अगस्त में चंद्रमा के लिए नया मिशन लॉन्च करेगा। यही नहीं, रूस ने अंतरिक्ष अभियान में बेलारूस को भी अपना साझेदार बनाने का ऐलान कर दिया, जिसने यूक्रेन के खिलाफ जंग में हर कदम पर उसका साथ दिया है और यही वजह रही कि पुतिन ने बेलारूस के स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत करने का भरोसा दिया कि वो अपने दम पर अंतरिक्ष तक पहुंच बना सकेगा, जिसके लिए रूस की स्पेस एजेंसी बेलारूस के अंतरिक्ष यात्रियों को अपने स्पेस क्राफ्ट उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी। एक निजी सैटेलाइट कंपनी ने चौंकाने वाली तस्वीरें जारी की और दावा किया गया कि रूस की सेना का 13 किलोमीटर लंबा काफिला तेजी से डॉनबास की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सैटेलाइट कंपनी की तरफ से जारी की गईं। तस्वीरों में सेना की गाड़ियों का एक लंबा काफिला साफ दिखा। इस काफिले में रूस की फौज की बख्तरबंद गाड़ियां और कई टैंक शामिल हैं। ये काफिला इतना लंबा है कि किसी एक भी तस्वीर में पूरा काफिला एक साथ नहीं दिख पाया, लेकिन कहा यह गया कि सैकड़ों गाड़ियों के इस काफिले की लंबाई 13 किलोमीटर है। तस्वीरें वेलिकी बुर्लुक नाम के शहर की बताई गई। ये शहर यूक्रेन के उत्तर पूर्व में है, जो रूस के बॉर्डर से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया गया कि यह काफिला रूस से यूक्रेन में दाखिल हुआ और डॉनबास की तरफ बढ़ता हुआ देखा गया। मतलब साफ है कि पूर्वी यूक्रेन में रूस और ताकत झोंकना चाहता है। डॉनबास को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए पुतिन के पास कोई बड़ा प्लान है। पहले से पूर्व में सबसे भीषण हमले झेल रही यूक्रेन की फौज की चुनौती बढ़ने वाली है और शायद इस बात की खबर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी पहले से थी, इसलिए उन्होंने ये कह दिया था कि आने वाला एक हफ्ता यूक्रेन के लिए बेहद अहम है और ये वो वक्त है जब पूर्वी यूक्रेन में कुछ निर्णायक हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में वैसे भी रूस की फौज ने अपनी पूरी ताकत पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में ही लगाई है। इन इलाकों में रूस की फौज के हमले पिछले कुछ दिनों में कई गुना बढ़े हैं। लगातार आसमान से बरस रही मिसाइलों से लोगों को सावधान करने के लिए सायरन बजाए जा रहे हैं। जेलेंस्की पहले ही लोगों से ज्यादा सतर्क रहने की अपील कर चुके हैं। अब माना यह जा रहा है कि ज्यादा फौज को पूर्वी यूक्रेन में पहुंचाने के पीछे रूस का प्लान कहीं ज्यादा खतरनाक है और आशंका जताई जा रही है कि रूस की तैयारी यूक्रेन के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जे के ऐलान की है। इसके लिए मिसाइलों और बमों से हमले तेज होंगे, जिनका मकसद पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा करना होगा। मतलब ये कि इस बार कब्जा होगा तो ऐसा होगा कि यूक्रेन को वापसी का कोई मौका ना मिले, लेकिन इसके पीछे केवल यूक्रेन का बंटवारा करना या पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं होगा, बल्कि पुतिन का प्लान क्राइमिया तक एक नया रास्ता बनाने का है। क्राइमिया यूक्रेन के दक्षिण में, जिस पर 2014 से ही रूस का कब्जा है। अब माना जा रहा है कि पुतिन की कोशिश पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करके क्राइमिया तक एक नया रूट बनाने की है, ताकि काला सागर का इस्तेमाल एक पोर्ट के तौर पर बड़े पैमाने पर किया जा सके। ऊपर से पूर्वी यूक्रेन को बाकी के यूक्रेन से काटते ही कारोबार के लिहाज से यूक्रेन पूरी तरह लाचार हो जाएगा।
यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बाइडेन के बयान पर उत्तर कोरिया भड़क गया है। जो बाइडेन ने जो बयान दिया था उसके बाद उत्तर कोरिया की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तर कोरिया जो रूस का लगातार साथ दे रहा है, पुतिन को युद्ध अपराधी कहा था अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, इसी को लेकर के अब उत्तर कोरिया ने विरोध किया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध अपराधी बताए जाने पर उत्तर कोरिया भड़क गया है। किम जोंग उन की अगुवाई वाला उत्तर कोरिया पुतिन का साथ देते हुए अमेरिका और बाइडेन को आंखें दिखा रहा है। वहां की एजेंसियों ने बाइडेन के एक बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने यूक्रेन के बूचा में नरसंहार के लिए पुतिन को जिम्मेदार माना था और उन्हें युद्ध अपराधी बता दिया था। बाइडेन के उसी बयान के बाद उत्तर कोरिया की एजेंसियों ने अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति बाइडेन को चेतावनी दे दी। ये कहा गया कि इस लड़ाई में अंतिम हार अमेरिका की ही होगी। यही नहीं, बाइडेन के बयान को उत्तर कोरिया ने पुतिन की सरकार गिराने की एक साजिश करार दिया। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान जारी कर यह भरोसा जताया है कि यूक्रेन में उनका सैन्य अभियान जल्द ही अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। रूस की सेना ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर तीन तरफ से धावा बोला था और पिछले डेढ़ महीने से दोनों देशों की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध जारी है, लेकिन ये पहली बार है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जंग पर इतना बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने अपने बयान में पहले यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे रूसी सैनिकों की बहादुरी की तारीफ की। लगे हाथ उन्होंने ये भरोसा भी जताया कि यूक्रेन में जल्द ही उनका सैन्य अभियान अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के शहरों पर रूस की सेना जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। पुतिन के इस बयान से ये बात भी साफ हो गई कि रूस यूक्रेन से अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाएगा, जिसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि आने वाले कई दिनों तक ये जंग इसी तरह जारी रहेगी। और रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि एक रोज पहले ही उनके सबसे भरोसेमंद और चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने भी यूक्रेन को एक डराने वाली चेतावनी दी थी और उन्होंने ये ऐलान किया था कि जल्द ही कीव पर रूस की सेना का कब्जा होगा। यूक्रेन को धमकी देने के लिए रमजान कादिरव ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया कि रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर पूरी ताकत से हमला करेंगे। सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि गांवों को भी निशाना बनाया जाएगा। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में और खून खराबा होगा। हालांकि पहले भी रूस ने कीव पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पुतिन की सेना शहर में दाखिल तक नहीं हो पाई थी। इसके बाद रूस ने अपनी रणनीति बदलते हुए यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों को निशाना बनाना शुरू किया। सबसे पहले मारियोपोल पर हमला शुरू हुआ और इसके लिए पुतिन ने चेचन कमांडर रमजान कादिरव को शहर में तबाही मचाने की खुली छूट दे दी थी। कई दिनों तक शहर को जीतने की जंग चलती रही, लेकिन इसके बाद भी मारियोपोल रूस के हाथ नहीं आया। जेलेंस्की को मात देने के लिए इस बार पुतिन ने चेचन कमांडर कादिरव के साथ मिलकर एक नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत कीव समेत कई पूर्वी इलाकों को जीतने के लिए रूस अपना पूरा दम लगा देगा। यही नहीं, ब्रिटेन ने भी ये दावा किया कि यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में 2 से 3 हफ्तों में लड़ाई और तेज हो जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच 49 दिनों से जंग जारी है। दुनिया के कई देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। अब हैकर ग्रुप का साथ यूक्रेन को मिला है। हैकर ग्रुप ने रूस के खिलाफ साइबर वॉर शुरू कर दिया है। इस ग्रुप के हैकर लगातार साइबर हमले करके रूस को खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। रूस की कई सरकारी संस्थाएं और कंपनियां इस साइबर हमले का शिकार हुई है। हैकर्स ने रूस की 2 लाख से ज्यादा फाइल लीक कर दी है। हैकर्स ग्रुप ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को नहीं बंद करेगा तो ऐसे ही फाइलें लीक करते रहेंगे। रूस ने क्रूज मिसाइल से हमले कर यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। इसका एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया जिसमें रात के अंधेरे में युद्धपोत से कुछ मिसाइलें उड़ती दिखी, फिर एक के बाद एक कई मिसाइलें आसमान को चीरती हुई अपने टारगेट की ओर बढ़ती नजर आई। दावा किया गया कि इन क्रूज मिसाइलों ने यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। रूस ने यूक्रेन के किस हिस्से में यह हमला किया इसकी जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई।